वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर कोरोना के बीच पहली पेशवाई नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री निरंजनी और श्री आनंद अखाड़े ने की है। पूरे जोश खरोश के साथ संतों की पेशवाई निकली। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इसके बाद शहर के कई मार्गों से पुष्प वर्षा करते हुए निकाला गया। पेशवाई में पूरे शाही अंदाज में साधु संत अपने अपने रथों पर बैठे दिखाई दिए। सभी संतों का आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से और छावनी देखने जाऊँगा, उन कार्यों का भी निरीक्षण करूँगा। आचार्य नरेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद कुंभ की सफलता के लिए हम देंगे। 2021 महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय हरिद्वार में हूँ, जो आप देख सकते हैं। अपने सचिन कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि आज जो है निरंजनी अखाड़े की पहली पेशवाई जो है साफ तौर से यहाँ पर निकल रही है। साफ तौर से देख सकते हैं कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक की ये पेशवाई निकल रही है, भव्य पेशवाई, जिसमें अपने नागस्वाधु साधु और उसके अलावा तमाम साधु संत, तमाम महामंडलेश्वर इसमें मौजूद हैं। उसके बावजूद एक अगर देखा जा सकता है तो एक नज़ारा जो है 2021 जो महाकुंभ का शुरुआत हो चुकी है, भव्य नज़ारा जो है, स्थानीय लोग भी जो है कहने के जो पेशवाई निकल रही है उसका जो है भव्य आनंद ले रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इसके बावजूद ये जो पेशवाई है वो प्रेमनगर आश्रम से होते हुए शंकर आश्रम, सिंह द्वार, देशक्षक और उसके अलावा शंकराचार्य चौक के बावजूद ये पेशवाई जो है शाम को बात करें तो सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो है स्थानीय लोग भी इसको देख रहे हैं, किसी प्रकार की स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, जो जो साधु संत हैं वो उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर सुबह 11 बजे आए थे और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद इसका विधिवत उद्घाटन भी किया है। इसके बावजूद तमाम आप देख सकते हैं कि सामने जो बैंड है वो तरह तरह के बैंड यहाँ पर आ रखे हैं, महाराष्ट्र से बैंड आ रखा है, तमाम ऐसे कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं वो इसको देखकर कहीं ना कहीं आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो 2021 महाकुंभ की जो शुरुआत होनी थी वो आज भी यहाँ पर देखने को मिली। कैमरा सचिन के साथ मयूर सैनी, TV100 न्यूज़, हरिद्वार।